ओके गाइस लेट्स स्टार्ट दिस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप सेक्शन 90 हाल ही में इसका अमेंडमेंट आया था तो अमेंडमेंट आने के बाद सब लोग कंफ्यूज हो गया कि मतलब ये होता क्या है फिर इसमें अमेंडमेंट क्या आया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट विच इज आफ्टर अमेंडमेंट ठीक है नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप विल टेक थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री पर्सन नेम इज़ नील नितिन एंड मुकेश तीन आदमी हैं ठीक है नील इज ए मेंबर हु इज हुए बेनिफिशियल ओनर यह है आम जिंदगी यह है आम आदमी आप और हम ठीक है नितिन मेंबर हु इज नॉट ए बेनिफिशियल ओनर यह है मैंटॉस जिंदगी ठीक है और मुकेश सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर दिस इज द एडवांस जिंदगी ठीक है तीनों को क्रैक करते हैं ओके व्हाट इज मेंबर एंड व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर ये समझ लेते ठीक है टॉपिक क्या है बेनिफिशियल ओनरशिप तो ये समझ लेते कि व्हाट इज अ मेंबर एंड व्हाट इज बेनिफिशियल ओनर देखो कॉन्सेप्ट ये है ना पहला मेंबर वो बंदा होता है जो कि एक शेयर होल्डर हो ठीक है ठीक है ये है मेंबर नाउ मेंबर मतलब शेयर होल्डर ठीक है भाई एक शेयर होल्डर एक मेंबर नॉर्मल मेंबर एक शेयर होल्डर और एक बेनिफिशियल ओनर के बीच में एक डिफरेंस होता है मेंबर और बेनिफिशियल ओनर दो अलग अलग पर्सन होते हैं बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या होता है कि बेनिफिशियल ओनर होता है द ओनर ऑफ द शेयर्स ठीक है द ओनर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी कोई भी एक कंपनी हो ठीक है इस कंपनी का जो शेयर्स जो शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे हक रखता है वो होता है बेनिफिशियल ओनर इस कंपनी का पकड़ लो एक मेंबर है जो कि एक शेयर होल्डर है ठीक है अभी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है ऑब्वियसली डिविडेंड मिलते होंगे है कि नहीं डिविडेंड को कहते हैं हम लोग बेनिफिशियल इंटरेस्ट ठीक है इसको कहते हैं हम लोग बेनिफिशियल इंटरेस्ट ठीक है अभी एक बंदा जो मेंबर है और जिसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट मिलता है वो है नील पहला वाला बंदा ये नील एक मेंबर भी है और उसको डिविडेंड भी मिलता है ठीक है यह है नील अभी मेंटोस वाली जिंदगी नितिन ही स्मार्ट गाय नितिन ने क्या किया बहुत अमीर है ठीक है बहुत साल मेहनत कर लिए पैसा उसे इकट्ठा कर लिए ठीक है अभी देखो उसको मतलब रिटायरमेंट चाहिए होता है नितिन को नितिन सोच रहा है कि वो कहीं पर जाके मतलब आराम करेगा फॉर सम इस ठीक है वो रिटायरमेंट ले लेगा अभी नितिन ने क्या किया कि नितिन सोच रहा है कि जब मैं हॉलिडे पे रहूंगा ठीक है तो यार ये जो शेयर्स है ये जो कंपनीस है जहाँ पे ये नितिन ने होल्ड करके रखा है ठीक है क्या होल्ड करके रखा है शेयर्स होल्ड करके रखा है उसका मीटिंग्स रहते हैं ठीक है उसका वोटिंग रहता है बहुत कुछ रहता है ठीक है वो डिस्टर्ब करेंगे इनको नितिन को डिस्टर्ब करेंगे कौन करेगा डिस्टर्ब कंपनी कैसे डिस्टर्ब करेगा नोटिस भेजेगा ना उसको बोलेगा भाई साहब अपना जो है ना एनुअल जनरल मीटिंग तब है अपना जो है ना इजीएम तब है ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये नोटिस भेज भेज के इसको डिस्टर्ब करेगा और नितिन नितिन क्या सोच रहा है नितिन सोच रहा है कि वो वो एक लंबा हॉलिडे के लिए जाएगा ठीक है ही इज रिटायरिंग नाव ये सब मोह माया उसको नहीं चाहिए अभी नाउ नितिन क्या करेगा ही विल अपॉइंट पर्सन ठीक है नितिन विल अपॉइंट पर्सन ठीक है उस पर्सन को बोलेगा कि भाई तू तेरे को मैं अपना जितना भी शेयर्स है वो होल्ड करने के लिए अनुमति देता हूं ठीक है नितिन का जो भी शेयर्स है नितिन का जो भी शेयर्स है वो होल्ड कर रहा है एक पर्सन अभी ठीक है नितिन ने ये शेयर्स उसका शेयर्स जो है वो एक पर्सन को दे दिया उसको अपॉइंट करके बोला कि देख मेरा जितना भी मीटिंग्स है ये है वो है मतलब शेयर्स के बारे में क्या करना है नहीं करना है सब डिसीजन तू लेगा ठीक है और मैंने शेयर्स तुझको दे दिया ठीक है तू होल्ड कर रहा है मेरा शेयर्स मेरे नाम का शेयर्स तू होल्ड करेगा भी तू हो जाएगा कंपनी का मेंबर बट एक बात याद रखियो मेंबर तो हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी रहूंगा बेनिफिशियल ओनर मतलब समझो जब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा डिविडेंड किसको मिलेगा मेंबर को अभी नितिन ने तो एक आदमी अपॉइंट कर दिया ही हैव अपॉइंटेड अ पर्सन हु इज द मेंबर एंड होल्डिंग द शेयर्स ऑफ नितिन इट होल्डिंग द शेयर्स ऑफ नितिन अभी डिविडेंट कंपनी किसको देगा नितिन को देगा क्या या फिर वो पर्सन को देगा जो कि मेंबर है जो कि नितिन का शेयर्स होल्ड कर रहा है ऑलवेज ए मेंबर नितिन है बहुत चालाक आदमी उसने अपॉइंट किया एक पर्सन जो कि अभी फिलहाल मेंबर है ठीक है और वो नितिन के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं कंपनी जब जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगा वो डिविडेंड जाएगा सीधा सीधा जाएगा डिविडेंट नितिन के अकाउंट पे जो कुछ भी आमदनी हो पैसा हो ठीक है इंटरेस्ट हो डिविडेंट हो जो कुछ जो कुछ ये मेंबर रिसीव कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नितिन ही विल ट्रांसफर ऑल दैट मनी टू होम टू नितिन और उसके बदले में इसको क्या मिलेगा मेंबर को क्या मिलेगा जो कि नितिन का शेयर होल्ड कर है। उसको पैसा देगा ना उसको फीस देगा उसको एक फीस दे देगा कि भाई सुन मैं तुमको कुछ पैसा दे रहा हूँ आई गिव यू मंथली रेम्यूनोरेशन ऑफ दिस दिस एंड दैट ठीक है तू मेरा शेयर्स होल्ड करना शेयर्स का जितना भी ताम है जितना भी कुछ है वो तू देख लेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ हॉलीडे मनाने तो वट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट मेम्बर हु इज नॉट ए बेनिफिशियल ओनर ठीक है ये जो मेम्बर है जो नितिन ने अपॉइंट किया है ही इज़ नॉट अ बेनिफिशियल ओनर तो मेंबर जो है वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है बेनिफिशियल ओनर है कोई और वो होता है नितिन ठीक है स्मार्ट गाय और नील कौन है नील तो भाई वो मेंबर भी है और वो बेनिफिशियल ओनर भी है ये आम जिंदगी और नितिन ने जितना भी शेयर्स का ताप झाप है वो सब हैंडओवर कर दिया किसी और बंदे को और वो बन गया मेंबर जो दूसरा बंदा उसने अपॉइंट किया है वो बन गया मेंबर और नितिन रह जाएगा बेनिफिशियल ओनर ठीक है जितना भी कंपनी का मुनाफा आएगा वो नितिन के अकाउंट पर जाएगा ना ही मेंबर के अभी आ जाओ मुकेश मुकेश कौन है भाई अंबानी है क्या हो सकता है ना हु सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट के बाद जो है कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करूंगा अच्छे से यू जस्ट हैव टू नो नाइसली ठीक है ये होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर एक लाइन में खत्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर वो बंदा है जिसके पास कंपनी का 25 परसेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो ठीक है 25 परसेंट से कम है तो वो बन जाएगा नितिन 25 से ज्यादा है तो या 25 है तो बन जाएगा मुकेश ठीक है 25 परसेंट होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ये भी तो है बेनिफिशियल ओनर ये भी है बेनिफिशियल ओनर और ये भी है बेनिफिशियल बेनिफिशियल ओनर ओनर लेकिन ये सिग्निफिकेंट कब कहलाएगा तब कहलाएगा जब जब उसके पास ट्वेंटी फाइव परसेंट शेयर वो होल्ड कर ले तब वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा फिनिश एक लाइन में खत्म सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या होता है ठीक है नाउ वी विल गो थ्रू दी प्रोविजन क्या क्या कहा गया है क्या क्या अमेंडमेंट आ चुका है वी विल क्रैक डाउन ऑल ट्वेंटी इंटरेस्ट अभी ट्वेंटी फाइव परसेंट बेनिफिशियल इंटरेस्ट अभी 25% बेनिफिशियल इंटरेस्ट जब कोई बंदा गेन कर लेगा कंपनी का उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा यह है सबसे पहला पॉइंट दैट मींस मुकेश भाई जब जब मुकेश भाई जब जब मुकेश भाई, जब, जब, मुकेश भाई, जब, 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 मुकेश भाई 25% फाइव परसेंट बेनिफिशियल ओनर बन जाए कंपनी का एट दैट मोमेंट ही डिक्लेरेशन टू दी कंपनी की कंपनी मैं आपका बेनिफिशियल ओनर बन चुका हूं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन कौन बंदा बेनिफिशियल ओनर बन सकता है ठीक है कोई भी एक पर्सन हो वन पर्सन और मोर ठीक है वन पर्सन और मोर अ ट्रस्ट अ रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ये तीन बंदे बन सकते हैं क्या बन सकते हैं बेनिफिशियल ओनर ठीक है <coughs> और बेनिफिशियल ओनर बनने के बाद उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी का ठीक है नेक्स्ट है कि कंपनी सेंड्स नोटिस टू पर्सन विच कंपनी बिलीव्स टू बी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कंपनी को लगता है कि यहां पे क्या होता है कि कंपनी को लगता है कि कोई बंदा वो बेनिफिशियल ओनर है कंपनी को कंपनी को कहीं से कहीं से खबर लगता है कि एक बंदा है जो बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है कंपनी का ठीक है लेकिन वो बता बताया नहीं ठीक है उसने बताया नहीं कि वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगा कंपनी नोटिस भेजेगा उस बंदे को कंपनी नोटिस भेजेगा नोटिस भेजने के तीस दिन के अंदर अंदर तीस दिन के अंदर अंदर क्या होगा उस बंदे को रिप्लाई देना पड़ेगा कंपनी को कि भैया आपने क्यों बताया नहीं कि आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो अच्छा ठीक है आपने बताया नहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है आप डिक्लेरेशन दे दो ठीक है उसका रिप्लाई देना पड़ेगा तीस दिन के अंदर अंदर अगर तीस दिन के अंदर रिप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट कंपनी अप्लाई कर देगा ट्राइब्यूनल को कंपनी ट्राइब्यूनल को बता देगा कि ट्राइब्यूनल देखो ये बंदा ये बंदा मेरा बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बन चुका है लेकिन उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया ट्राइब्यूनल एक बार ऑपरचुनिटी देगा उस बंदे को कि ऑपरचुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वो एक बार सुनेगा उस बंदे का बात कि उसने क्यों नहीं रिप्लाई दिया ठीक है और सुनने के बाद अगर ट्राइब्यूनल को लगा कि कंपनी सही है और वो वो बंदा गलत है ठीक है तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा दी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसके शेयर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट गेन करेगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ठीक है उसको फिर वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा वो डिविडेंस नहीं मिलेगा ठीक है किसको नहीं मिलेगा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि कोई झोल करके रखा है वो बंदा ठीक है यह है अमेंडमेंट वाला पोर्शन ठीक है अभी अमेंडमेंट वाला पोर्शन में हम लोग समझेंगे कि अमेंडमेंट से पहले क्या होता था और अमेंडमेंट के बाद क्या हो रहा है अमेंडमेंट के पहले हो जो होता था वो था कि जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास नहीं करता था कि उसका राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दे हम ठीक है ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता था कि उसका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दे हम तो जो अग्रीफ बंदा था ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से जो अग्रीफ बंदा था वो अपील नहीं कर पाता था ठीक है वो अपील नहीं कर पाता था लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद ठीक है जो कोई जो कोई भी अग्रीफ बंदा हो ठीक है वो अप्लाई कर पाएगा टू एनसीएलटी ठीक है और ये जो अप्लाई करेगा ना ये एक साल के अंदर अंदर अप्लाई हो जाना चाहिए भाई साहब ठीक है एक साल के अंदर अंदर वो अप्लाई कर देना चाहिए ठीक है अगर एक साल के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया तो जो राइट्स रिस्ट्रिक्ट किया है ना ट्रिब्यूनल ने तो वो सारे शेयर्स वो सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड सेक्शन 125 ठीक है दैट्स ऑल अबाउट द अमेंडमेंट थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग